नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर इतिहास विषय के पेपर प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1935। छात्रों, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसकी जो प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम जो चर्चा करेंगे छात्रों, इसके अतिरिक्त जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, तो इसमें जो किए गए सुधार थे तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जो 1935 के अधिनियम की जो हम आलोचना के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो छात्रों, किस इसकी क्या क्या विशेषता रही और जो इसमें क्या क्या कमियां रही, इसकी जो आलोचनाएं की गई, तो उनके बारे में हम जो आज चर्चा करेंगे। तो छात्रों, हम देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। तो छात्रों, भारत सरकार अधिनियम 1919 के सुधारों के भारत सरकार छात्रों इस भारत सरकार अधिनियम 1935 से पहले एक अधिनियम और भी आया था, उसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता था। तो छात्रों, अब हम देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के सुधारों की जांच करने के लिए भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 की 1919 के सुधारों की जांच करने के लिए सुधारों की जांच करने के लिए जांच करने के लिए के सुधारों की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को भेजा। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को भेजा। साइमन कमीशन को भेजा 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः साइमन कमीशन का भारत में विरोध प्रारंभ हो गया। अतः साइमन कमीशन का भारत में विरोध प्रारंभ हो गया। विरोध क्यों हुआ? क्योंकि साइमन कमीशन के सारे सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे, इसीलिए भारत में इसका विरोध प्रारंभ हो गया। साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट ने भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया
पूरा नहीं किया। इस रिपोर्ट के विरुद्ध नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट के विरुद्ध नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, परंतु ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट की उपेक्षा की नेहरू रिपोर्ट की उपेक्षा की। परिणाम यह निकला कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र हो गए। राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र हो गए। जनता में असंतोष बढ़ने लगा। जनता में असंतोष बढ़ने लगा। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए तीन गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। इन गोलमेज सम्मेलनों में हुए विचार विमर्श के आधार पर विचार विमर्श के आधार पर मार्च 1933 में ब्रिटिश संसद ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया। ब्रिटिश संसद ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया। इन श्वेत पत्रों की रिपोर्ट 1934 में प्रकाशित हुई।
1934 में प्रकाशित हुई। इन रिपोर्ट तथा श्वेत पत्रों के प्रस्तावों के आधार पर इन रिपोर्ट तथा श्वेत पत्रों के प्रस्तावों के आधार पर प्रस्तावों के आधार पर 5 अगस्त 1935 ईस्वी को 5 अगस्त 1935 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम पारित किया छात्रों जो भारत सरकार अधिनियम 1935 तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत के इतिहास के अंदर अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी इसका अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। छात्रों जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन करवाया और उन गोलमेज सम्मेलनों के अंदर जो उन्होंने विचार विमर्श किया भारतीय नेताओं से, तो विचार विमर्श करने के बाद में जो उन्होंने क्या किया कि जो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 जो जारी किया। छात्रों भारत सरकार अधिनियम 1919 के सुधारों की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को भेजा। छात्रों भारत सरकार अधिनियम 1919 था, इसमें कई त्रुटियां थी और छात्रों वैसे तो जो अंग्रेजों के जो अधिनियम होते थे ये त्रुटिपूर्ण ही होते थे, ये पूरा संपूर्ण कभी नहीं होते थे, परंतु जो ये 1919 का जो अधिनियम था तो इस अधिनियम के अंदर सुधार करने के लिए जो ये अधिनियम भेजा था 1919 के अंदर, तो इस अधिनियम में सुधार करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को भेजा। साइमन कमीशन को किसने भेजा? ब्रिटिश सरकार ने भेजा और ये साइमन कमीशन था 1927 ईस्वी के अंदर ये साइमन कमीशन ये कहां पर आता है? ये भारत के अंदर आता है। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसकी एक विशेषता ये थी, गजब की विशेषता ये है कि इसमें भारतीय कोई था नहीं, केवल अंग्रेज ही थे इसके अंदर। तो अंग्रेज तो अंग्रेजों के का ही राग अलापेंगे, उसी के गुण गाएंगे। तो छात्रों 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन के क्या थे सभी सदस्य? कौन थे छात्रों? अंग्रेज थे। अतः साइमन कमीशन का जो भारत में विरोध होने लगा, तो छात्रों सारे के सारे जो सदस्य थे ये अंग्रेज थे, तो अंग्रेज होने के कारण जो भारत में इसका विरोध होने लगा। क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर भारतीयों को स्थान दिया ही नहीं गया था इस कमीशन के अंदर। तो इसका क्या है कि भारत के अंदर चारों तरफ इसका विरोध होने लगा। साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। साइमन कमीशन था 1927 के अंदर आता है और 1930 ईस्वी के अंदर ये क्या करता है? अपनी रिपोर्ट है जो सौंपता है। इस रिपोर्ट में भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। भारतीयों को जो साइमन कमीशन से उम्मीदें थी तो उम्मीदों को ये जो पूरा नहीं कर पाया, और इस रिपोर्ट के विरुद्ध जब उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया तो इस रिपोर्ट के विरुद्ध जो जवाहरलाल नेहरू थे, तो जवाहरलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो छात्रों इस रिपोर्ट के विरुद्ध नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई? नेहरू जो रिपोर्ट है, तो उस रिपोर्ट को तैयार किया गया, परंतु ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट की उपेक्षा की। जो नेहरू रिपोर्ट है तो उसकी उपेक्षा कौन कर रहा है? ब्रिटिश सरकार है तो उसकी उपेक्षा कर रही है। अर्थात नेहरू रिपोर्ट को जो ब्रिटिश सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दिया, ना ही उसकी बातों को माना, और सीधा का सीधा जो
लुई साइमन कमीशन की बातों को स्वीकार करके उसे थोप दिया गया। छात्रों इसका परिणाम ये निकला कि एक तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उससे भारतीय संतुष्ट नहीं थे, दूसरा नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट की उपेक्षा की गई, जिसका परिणाम क्या निकला, ये निकला कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र हो गए। कौन सा आंदोलन तीव्र हो गए, राष्ट्रीय आंदोलन थे वो तीव्र हो गए और जनता के अंदर असंतोष बढ़ने लगा। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। जब ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि भारत में असंतोष अत्यधिक व्याप्त हो गया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ब्रिटिश सरकार ने लंदन के अंदर गोलमेज जो एक सम्मेलन था, तो उस सम्मेलन का आयोजन किया। तो उस गोलमेज एक गोल टेबल थी और उस टेबल पर भारतीय नेताओं को तथा ब्रिटेन के जो नेता थे उन दोनों उसके अंदर बैठे तथा विचार विमर्श किया, इसीलिए गोलमेज सम्मेलन कहलाया। तो छात्रों ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। इन सम्मेलनों में विचार विमर्श हुआ। सम्मेलनों के अंदर ब्रिटेन के जो नेता थे उनमें तथा भारत के जो नेता थे उनमें दोनों में क्या होता है, विचार विमर्श होता है। और विचार विमर्श होने के बाद में जो मार्च 1933 ईस्वी के अंदर, कब, मार्च 1933 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक श्वेत पत्र जारी किया। ब्रिटिश संसद ने कौन सा पत्र जारी किया, श्वेत पत्र जारी किया। इन श्वेत पत्रों की रिपोर्ट, अब श्वेत पत्रों की रिपोर्ट 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई। श्वेत पत्रों की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, 1934 ईस्वी के अंदर। जारी कब किया गया था, 1933 ईस्वी में जारी किया गया, 1934 ईस्वी के अंदर जो ये रिपोर्ट है जो प्रकाशित हुई। इन रिपोर्टों तथा इन रिपोर्टों तथा श्वेत पत्रों के प्रस्ताव, जो श्वेत पत्र में जो प्रस्ताव थे वो, तथा गोलमेज सम्मेलन के अंदर जो विचार विमर्श किए गए वो, इन सभी के आधार पर क्या हुआ, 5 अगस्त 1935 ईस्वी को, कब, 5 अगस्त 1935 ईस्वी को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। कौन सा अधिनियम पारित किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रारंभ किया, जो ये पारित किया गया किसके द्वारा, ब्रिटेन की संसद द्वारा। तो छात्रों अब हम देखते हैं कि जो ये भारत सरकार अधिनियम में इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं, तो प्रमुख विशेषताएं किसकी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की ये प्रमुख विशेषताएं है। गृह सरकार के नियंत्रण में कमी, पहली विशेषता क्या है, गृह सरकार के नियंत्रण में कमी, नियंत्रण में कमी। इस अधिनियम द्वारा, कौन सा अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्वायत्तता तथा केंद्रों में, प्रांतों में स्वायत्तता तथा केंद्र में, प्रांत में स्वायत्तता तथा केंद्र में आंशिक उत्तरदायी सरकार स्थापित की गई। आंशिक उत्तरदायी सरकार स्थापित की गई, सरकार स्थापित की गई। सरकार स्थापित की गई इसके लिए गृह सरकार के अधिकारों में कमी करना आवश्यक था। इसके लिए
इसके लिए गृह सरकार के अधिकारों में कमी करना आवश्यक था। भारतीय नेता इंडियन काउंसिल की कटु आलोचना करते थे। अतः इस अधिनियम के अंतर्गत इंडिया काउंसिल को समाप्त करके इसके स्थान पर भारत सचिव के परामर्शदाता नियुक्त किए गए। परामर्शदाता भारत सचिव के परामर्शदाता नियुक्त किए गए जिनकी संख्या अधिक से अधिक क्षेत्र था तथा कम से कम तीन निर्धारित की गई। भारत सचिव इन सदस्यों का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं था। छात्रों, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी है, तो 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो छात्रों, गृह सरकार के नियंत्रण में कमी, तो पहली विशेषता क्या है? गृह सरकार के नियंत्रण के अंदर है कमी। तो इस अधिनियम, कौन सा अधिनियम? भारत सरकार अधिनियम। तो इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्वायत्तता तथा केंद्रों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों के अंदर स्वायत्तता तथा केंद्र के अंदर आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। इसके लिए गृह सरकार के अधिकारों में कमी करना आवश्यक था। जो गृह सरकार थी तो उसके अधिकारों में कमी करना आवश्यक था, तो उसके अधिकारों के अंदर भी कमी की गई।
भारतीय नेता इंडियन काउंसिल की कटु आलोचना करते थे, जो इंडियन को अंग्रेजों द्वारा जो इंडियन काउंसिल का निर्माण किया गया था उसकी कटु आलोचना कड़ी आलोचना करते थे भारतीय नेता। तो ऐसी स्थिति के अंदर तो इसे भारतीय काउंसिल को क्या किया गया, समाप्त किया गया। तो इस अधिनियम के अंतर्गत इंडिया जो काउंसिल है, कौन सी इंडिया काउंसिल को समाप्त करके उसके स्थान पर भारत सचिव के परामर्शदाता, तो इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर भारत सचिव के जो परामर्शदाता हैं उन परामर्शदाताओं की क्या की गई, नियुक्ति की गई। तो छात्रों जो उनकी नियुक्ति की गई इसके अंदर और नियुक्ति जिनकी अधिक से अधिक नियुक्ति किए गए, जो परामर्शदाता नियुक्त किए गए इनकी संख्या कितनी थी, अधिक से अधिक 6 हो सकती है और कम से कम कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। तो इस प्रकार से जो छात्रों जो ये जो इसके अंदर है जो नियुक्त किया गया, इसके अतिरिक्त जो भारत सरकार अधिनियम है तो इसके अंदर भारत सचिव जो ये जो सदस्य नियुक्त किए गए थे, तो इन सदस्यों की जो भारत सचिव इन सदस्यों की का परामर्श मांगने के लिए बाध्य नहीं था। तो भारत सचिव है तो जो नियुक्त किए गए सदस्य थे तो इनका क्या परामर्श मांगने के लिए बाध्य नहीं था। तो छात्रों इस प्रकार से जो गृह सरकार के जो नियंत्रण था तो नियंत्रण में कमी की गई इस अधिनियम द्वारा। छात्रों अब हम देखते हैं कि अगली जो विशेषता है अखिल भारतीय संघ की स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों ये अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना इस अधिनियम के अंतर्गत, कौन सा अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ, एक अखिल भारतीय संघ, एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने की व्यवस्था की गई। स्थापित करने की व्यवस्था की गई अखिल भारतीय संघ स्थापित करने की व्यवस्था की गई जिसमें 11 गवर्नर जनरल के प्रांत, जिसमें 11 गवर्नर जनरल के प्रांत, 11 गवर्नर जनरल के प्रांत छह चीफ कमिश्नर के प्रांत तथा भारत की देशी रियासतों को सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई। भारत की देशी रियासतों को सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई। संघ के दोनों सदनों में देशी राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। संघ के कौन सा, अखिल भारतीय संघ, संघ के कौन सा संघ है, अखिल भारतीय संघ। संघ के दोनों सदनों में
1979 में देशी राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। देशी राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। संघीय विधानमंडल में, संघीय विधानमंडल में तीन सौ 375 सदस्यों में से 125 सदस्य तथा संघीय राज्यसभा में राज्यसभा में 260 सदस्यों में से 104 सदस्य 260 सदस्यों में से 104 सदस्य 104 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। देशी राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था। संघ में शामिल होना अनिवार्य था, परंतु देशी राज्यों के लिए ऐच्छिक था। ऐच्छिक था। प्रत्येक देशी रियासत जो संघ में शामिल होना चाहती थी उसे एक प्रवेश पत्र या
स्वीकृति पत्र या स्वीकृति पत्र। प्रत्येक देशी रियासत जो संघ में सम्मिलित होना चाहती थी उसे एक प्रवेश पत्र या स्वीकृति लेख पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। स्वीकृति पत्र नहीं मात्र लेख करेंगे या लेख पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। उस स्वीकृति लेख में वह रियासत उन शर्तों का उल्लेख करती थी। उस स्वीकृति लेख में वह रियासत उन शर्तों का उल्लेख करती थी जिनके आधार पर वह संघ में शामिल होना चाहती थी, जिनके आधार पर वह संघ में शामिल होना चाहती थी। संघ में शामिल होना चाहती थी। संघ की समस्त इकाइयों को अपने आंतरिक मामलों में स्वराज्य प्राप्त था। संघ की समस्त इकाइयों को अपने आंतरिक मामले में स्वतंत्रता प्राप्त थी। स्वतंत्रता मामले में स्वराज्य प्राप्त था। स्वतंत्रता नहीं छात्रों, स्वराज्य अधिनियम, सॉरी छात्रों, स्वराज्य प्राप्त था छात्रों। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 की ये प्रमुख विशेषता है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना इस अधिनियम के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने की व्यवस्था की गई, जिसमें 11 गवर्नर जनरल के प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के प्रांत तथा भारत की देशी रियासतों को सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई। छात्रों इसके अंदर क्या क्या किया गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, कौन सा अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम है। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें 11 तो गवर्नर जनरल के प्रांत जो गवर्नर जनरल के अधीन थे, 6 चीफ कमिश्नर के प्रांत तथा भारत की देशी रियासतों को सम्मिलित करने की इसमें जो व्यवस्था की गई छात्रों। साथ ही संघ के दोनों सदनों में देशी राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। जो देशी राज्य हैं तो उन्हें देशी राज्यों को क्या किया गया, उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। संघीय विधानमंडल में 375 सदस्यों में से, जो संघीय विधानमंडल के 375 सदस्यों में से 125 सदस्य, 375 में से कितने, 125 सदस्य तथा संघीय राज्यसभा में 260 सदस्यों में से 104 सदस्य, कितने, संघीय राज्यसभा में 260 सदस्यों में से 104 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। किसके प्रतिनिधि होंगे, देशी रियासतों के ये प्रतिनिधि होंगे। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था। जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे तो उनको संघ में शामिल होना अनिवार्य था, परंतु जो देशी रियासतों को संघ में शामिल होना अनिवार्य नहीं था, ऐच्छिक था, उनकी इच्छा हो तो सम्मिलित हुई है, नहीं तो नहीं। छात्रों प्रत्येक देशी रियासत जो सम्मिलित होना चाहती है संघ के अंदर वो क्या करती थी, तो प्रत्येक देशी रियासत जो संघ में
शामिल होना चाहती थी उसे एक प्रवेश पत्र या स्वीकृति लेख पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। एक उसे जो प्रवेश पत्र या स्वीकृति लेख दिया जाता था उस पर वो सिग्नेचर करती थी कि भाई मैं इसमें सम्मिलित होने की स्वीकृति जो देती हूँ। तो छात्रों उस स्वीकृति लेख में वे रियासत उन शर्तों का उल्लेख करती थी जिनके आधार पर वे संघ में शामिल होना चाहती थी। तो उस पर वो शर्तें लिखती थी देशी रियासत की, भाई हमारी शर्तें यही हैं और इस शर्तों के आधार पर ही हम आपके जो इस सरकार के अंदर आपके जो संघ है अखिल भारतीय संघ, इसके अंदर हम क्या है कि सम्मिलित होना चाहते हैं। इस संघ की समस्त इकाइयों को अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्तता प्राप्त थी। संघ की जो समस्त इकाइयां हैं उनको अपने आंतरिक मामले के अंदर कार्य करने की क्या थी स्वायत्तता उनको प्राप्त थी। छात्रों ये अखिल भारतीय संघ है तो इसके अंतर्गत हम और देखते हैं कि इस अधिनियम द्वारा जो अखिल भारतीय संघ थी तो इसके अंतर्गत जो इस अखिल भारतीय संघ की विशेषता क्या थी, तो इसे अखिल भारतीय संघ के बारे में देखते हैं। उन्नीस सौ पैंतीस ईस्वी के अधिनियम में प्रस्तावित भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो सकी। भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो सकी। प्रस्तावित भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो सकी क्योंकि देशी रियासतों की निर्धारित संख्या क्योंकि देशी रियासतों की निर्धारित संख्या संघ में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया संख्या ने संघ में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया। संघ में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया अतः संघीय योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी। अतः संघीय योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी। छात्रों जो अखिल भारतीय संघ था तो इसकी वो स्थापना के बारे में हम देख रहे थे। तो 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित भारतीय संघ जो 1935 का जो अधिनियम है उसमें प्रस्तावित जो भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो सकी। जो ये संघ स्थापित करने का प्रयास किया गया परंतु इसकी स्थापना नहीं हो सकी क्योंकि देशी रियासतों की निर्धारित संख्या ने संघ में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया। जो देशी रियासतों की निर्धारित संख्या थी तो उन्होंने इस अखिल भारतीय संघ में स्वीकार होने से मना कर दिया। तो इस कारण क्या है कि ये योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी। छात्रों अब हम देखते हैं कि अगली जो विशेषता थी केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। तो अगली विशेषता क्या थी छात्रों कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना
तो छात्रों जो केंद्र के अंदर जो द्वैत शासन है तो उसकी स्थापना 1935 के इस अधिनियम द्वारा की गई। तो छात्रों तो हम इसके बारे में हम जो विस्तार से चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से स्थापना की गई इसको, तो छात्रों और संघीय विषय थे तो इनको किन किन भागों के अंदर बांटा गया, तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे।